स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। ये विशु खड़ा कर रहा है, कल निर्मल ने भी किया था पर क्या मालूम ये आगे क्यों कर रहा है, पूछते हैं इससे एक बार। हाँ बता। यहाँ पे वैसे गार्डन वार्डन की जगह आएगी तो यहाँ पे करोगे तो बीच में आएगा, फिर यहाँ पे बिल्कुल इस गार्डन की बाउंड्री है तो उस हिसाब से गार्डन के इस साइड ये उस साइड व्यवस्थित रहेगा। हाँ ये बात भी सही है, मैं इस पिलर के डायरेक्शन में कर रहा हूँ बिल्कुल लाइन में। हाँ तो यहाँ यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ तक ये हाँ पौधे लग जाएंगे, ये सही कर रहा है। रात को हमको भी ध्यान नहीं रहा, हमने पीछे कर दिया यहाँ पे, ये तो जल्दीबाजी में। हाँ ठीक है, गंजी को देखो मस्ती से घास का सेवन कर रहे हैं, और इनकी जगह फिक्स है यहीं बनते हैं। जैसे ही गाड़ी आएगी उधर भाग जाएंगे वापस इधर आ जाएंगे, जैसे ही गाड़ी आएगी उधर भाग जाएंगे वापस इधर आ जाएंगे। इन्होंने ये खड्डा खोद दिया कंप्लीट, खाद भी भर दी गोबर की। हाँ खाद भी भर दी, अब इस पेड़ को ये लगा देंगे, पौधा है चीकू का, मिट्टी नहीं निकले वहाँ ध्यान रख दे। इसको ऊपर से तोड़ रहे मुझे, इसको ऊपर से लाकड़ी तोड़ दी है, लाकड़ी कहला थोड़ी। अरे यू पानी नहीं निकले, नहीं निकले, नहीं निकले। हाँ एकदम से बचा के मत पटक दे। हाँ रमेश थोड़ा जा, थोड़ा जा। हाँ रमेश जी ये हमारे कारीगर है, और ये क्या एक्चुअली में काश्तकारी भी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इनको भी जानकारी है। रमेश ठीक है, ये इसके ऊपर घास डालने से क्या होगा, मतलब नमी बनी हुई रहेगी। फाइनली उगा दिया इन्होंने, अब पानी वानी डाल दो, कलम भरो, बट इन कलम नीचे नहीं जानता अभी जमीन में। ठीक है, नहीं जाइएगा। हाँ देखो पास में रेडी, पानी वानी डाल के कंप्लीट। कन्नू को यहाँ बांध कर देख लो दोस्तों, और ये इसने इस पाटे को गिरा दिया और इसके ऊपर कपड़ा बंधा था इसलिए गिराया, ताकि ये इस कपड़े को खाने की कोशिश करा देगा। और एक फल लेके आया, जंगली फल, जंगली बेर, जंगली बेर फल भी कह सकते हैं, बेर भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं करमदा है। ये वाला देखो, ये बिल्कुल नेचुरली खाकरे के पत्ते में लेके आया इसको। हाँ ये इसी में लेके आया, पत्तल दूने बनते थे पहले। हाँ ये अभी अंदर ही मिलता है, जहाँ पहाड़ों के ही मिलता है ये। सही बात। हाँ शहरों से तो गायब हो गया है, इसे हमारे यहाँ करमदा भी कहते हैं। हाँ करमदा ही कहते हैं इसको, और एक्चुअली में जो बाजार में मिलेगा ये भी आदिवासी लेके आते हैं। जंगली बेर भी बहुत मीठा है, ये कच्चा होता है तो खट्टा होता है। हाँ बाकी फिर मीठा हो जाता है ये, ये बाकी लाल होता है जब खट्टा बड़ा होता है, जबरदस्त खट्टा होता है, इसका अचार भी पड़ता है। हाँ अब ये पक जाता है तो इसको बियर के रूप में, और मीठा भी एक्सट्रीमली होता है, जबरदस्त मीठा होता है, और ऐसा होता है पकने के बाद में बहुत मीठा होता है। हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा एक कच्चा भी है, नुकसान नहीं करते बीज के गले में उतार दो। हाँ ये कच्चा है या खट्टा, ये वो जबरदस्त खट्टा है, लेकिन ये पक्का ये काफी मीठा है। हाँ जामुन जैसा कलर है इसके अंदर, और बीज भी खा जाते हैं हम, बहुत फायदा करता है। बीज तो छोटे छोटे बीज होते हैं, बिल्कुल नरम नरम बीज होते हैं, बीज से चप जाते हैं बीज तो। वो गंजी देखो मस्ती से बैठे हुए गंजू, अभी हाथ लगाऊंगा ये सो जाएगा। ये सो गया। बस खिचड़ी सामने आ गई है, अब खिचड़ी खा लेते हैं, मस्त खिचड़ी बनी और साथ में खाटी छाछ। खिचड़ी आ गई साथ में और खाटी छाछ की गिलास सामने आ जाएगी, पी लेंगे और खा लेते हैं मस्त। देखो कैसे घोड़े बेचे सो रहे हैं, धुए तो ये सो रहा है कन्नू, और दूसरा सो रहा है ये विशेष बना है। जब नींद आती है ना तो बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अपनी चाय आ गई है, अपन चाय पी लेते हैं। कंटिन्यूज में जब ये लाइन वो पिलर बनाओ उस लाइन से लगा के इधर तक पौधे लग जाएंगे फ्रूट के, कितना बढ़िया लगा एकदम। ये देखो ये इतनी सारी मिट्टी इस विशु ने, हाँ, कपड़ा पहना हुआ है,
इस प्लॉट में से निकाल ली देखो, और ये सारी छान ली इसने, पत्थर पत्थर बिल्कुल साइड में कर दिए, और अभी भी ये कर रहा है देखिए। अब निर्मल को बोल रहा है हाँ यार कपड़े पहनना हो यार, यूं मत घूमो यार। और ये इसके हाल में मस्त है, ये दे देता है, क्या करे, काम तो ये बहुत परफेक्ट कर रहा है, शानदार। हाँ ये देखो ये, हाँ ये इतने बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं, पर ये पत्थर कच्चे हैं यार। हाँ पर एक बार ये सब सफाई हो जाएगी तो फिर नीचे वाली पत्थर हो, हाँ जड़ पकड़ लेगी, सही बात है, सही बात। अब फेड ऊपर छत पे चलते हैं, आ गए ठेठ ऊपर छत के ऊपर। अब सनसेट होने वाला है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। इधर सनसेट होगा, शानदार। दो तीन दिन अच्छे बादल थे, लेकिन आज बिल्कुल आसमान साफ है, थोड़ा बहुत बादल है बस। दो दिन तो इतना शानदार मौसम था, जोरदार बादल हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल आसमान खाली है। लेकिन मौसम में गर्मी है और उमस भी है, तो वैसे भी बारिश आ जाएगी एक दो दिन में वापस। ये मेरे ऊपर छत का नज़ारा है, छत से ऐसा नज़ारा दिखता है, बढ़िया सनसेट दिख रहा था, और सनसेट पे ग्रहण लग गया बादलों का, एकदम से बादल आ गए, अब सनसेट नहीं दिखेगा, और बादल हटेंगे जब तक सनसेट हो चुका होगा। लेकिन ये नज़ारा भी बहुत शानदार दिख रहा है, ऊपर ये दो बादल दिख रहे हैं ना, ये दो बादल के साथ में, और नीचे हल्की सी लालिमा सूर्य की, बहुत शानदार दिख रहा है। सनसेट भले नहीं दिखा, लेकिन ये नज़ारा बहुत शानदार है। आज हमारे यहाँ पे एक नया मेहमान आ गया, देख लो, नैन्सी, इसको रख लेंगे। ये कन्नू का फ्रेंड बन जाएगी। ये बढ़िया कन्नू की फ्रेंड बन जाएगी। ये तो है बढ़िया है, फ्रेंडली है, नहीं है एकदम फ्रेंडली है, बढ़िया है। वो क्या मिल रहा है, सेकंड करो, चलो इधर आओ, सेकंड करो नैन्सी। स्पेशल है, कुछ स्पेशल है मेरे पास। चलो सेकंड करो। ये कन्नू की और इनकी दोनों की दोस्ती हो गई, देखो लाना पास में लो ना कन्नू के। तो चला गया, ले आ जा। कन्नू डर तो नहीं रहा इससे, कन्नू वैसे डर तो नहीं रहा इससे। ये जैसे ही विशु इसके पास में जा रहा, और विशु के ऊपर भी आज तो अटैक कर रही है गाय भी, गंगा भी, क्या दुश्मन होगी विशु दर से इसकी, पता नहीं क्या हो गई इससे पूछो। तेरी क्या दुश्मनी हो गई, बचा गंगा, ये देखो मेरे को भी मार सकती है। चलो इसकी इच्छा, ऐसे मारती नहीं है ये, ऐसे डराती है। वो अभी जो वो लेके आया ना,
हैं मीतू जो कुत्ता लेके आया उसमें डोगी लेके आया कि अपन भी ले लेके आए हैं। इनकी क्या राय है बताओ, मम्मी से पूछ लो क्या कर रहे हैं, ले रहे क्या हैं? जिया ने तो कहा कि भाई संभाल सकते हो लो, मम्मी क्या बोलती नहीं समझ, गाय तक बोध है, गाय तक बोध है क्योंकि अपन इनका खाना कैसा नहीं संभाल सकेंगे। जिया का बोलना है, जिया का ये बोलना है कि अपन इनका खाना कैसा नहीं संभाल सकते। तू मेरे को दे देता अगर मैं बोलता नहीं, उसके फ्रेंड उसके दोस्त को बोलता, उसके दोस्त के दोस्त से बात कर देता, वो खरीद लेता अपन, लेकिन क्या अपन रख नहीं सकते। सही बात है, ज्यादा जानवर परेशान। अरे अभी क्या खाना कैसे आपने लिए, अपना खुद का महंगा पड़ रहा था, फिर अपन उनका कहाँ से करेंगे। सही है ना, जानवर का बहुत क्लीन है, बहुत महंगा पड़ता है खाना का। सही बात है, फिर उनका डॉक्टर का खर्चा भी होता है। सही बात है। मस्त करेले की सब्जी बनी है और साथ में आम का जूस, मजे से खाने का। ये सब तो बैठ गए खाने के लिए, ये निर्मल, विशु, जिया और ये सब जने बैठे हैं, इसकी मम्मी। अब मैं भी बैठा तो मेरे भी थाली जम चुकी है, मेरी भी थाली जम चुकी है, अब मैं भी खाना खा लेता हूँ। और खाना बाजी कुछ रख दिया, रस रखना बाकी है, रख दिया रस, उसको भी रख दिया, जूस उसको भी रखेंगे क्योंकि उसको भी जूस के बिना काम नहीं चलता है, इसको भी रखना पड़ेगा। फिलहाल भोजन कर लेते हैं। इसके सामने रस ले जाके रखा और ये हिला भी नहीं खूब देर तक, अब हिला ये। इसके लिए सर्वोपरि आमरस नहीं है, इसके लिए सर्वोपरि ये रोटी, इसको पता है मम्मी के हाथ के में रोटी है। अभी रोटी दिखाओ तो रस छोड़ देगा ये देखो, खिला दो देखो रस और रोटी खाई जा रही है। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन का आनंद लेते रहो, सदा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।